धुआंधार शुरू हो गया है दोनों तरफ से। क्या धुआंधार शुरू हो गया? कहाँ शुरू हो गया? कैसे शुरू हो गया? क्यों शुरू हो गया? अरे बस 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 भाई, तू भी धुआंधार सवाल दाग रही है। सब्र कर, बता रहा हूँ। धुआंधार शुरू हो गया है कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी के बीच धुआंधार चुनावी संग्राम शुरू हो गया। दीदी, आपको किसानों से क्या दुश्मनी? से पकड़ेगा और चुर चुर हो जाएगा। 2 मई दीदी गई। चुनाव के हिसाब से होना है, सितारों से नहीं। कभी कभी तो लगता है कि वहाँ चुनाव नहीं, महाभारत का युद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आरोपों का जो आदान प्रदान हो रहा है, उससे लगता है कि वहाँ इलेक्शन नहीं, संग्राम हो रहा है। भीषण संग्राम। हार होती भी, ये क्या हो गया दीदी आपको? बीजेपी एक गंगा पार्टी है, एक चूम का पार्टी है। चूम कर दीजिए। अरे टोकरा भर भर के गाड़ी दीजिए। चौकीदार है किसके लिए? चोर का चौकीदार। बंगाल को चाहिए अशोल परिवर्तन। तृणमूल कांग्रेस। मोदी जी और ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में ऐसा माहौल बना दिया है कि लग रहा है कि वहाँ दो राजनीतिक दल नहीं, दुश्मन देशों की सेना ही टकरा रही है। एक से बढ़कर एक चुनावी नारे उछाले जा रहे हैं, लेकिन इन भीषण नारों के बीच वहां अब तक दलित राजनीति का प्रवेश नहीं हुआ। वहां रविंद्रनाथ ठाकुर और सुभाष चंद्र बोस के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती थी, लेकिन इस बार मोदी जी ने वहां दलित कार्ड खेल दिया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी वहां सुनाई दे रहा है। दलित वोट की राजनीति का परचम लहरा रहा है वहां। ये सुनिए मोदी जी ने क्या कहा आज की रैली। दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है, दलितों का अपमान करके आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आपका यह अहंकार अब बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी दलित कार्ड खेल रही है, दीदी भी वही कर रही है, क्योंकि ये कार्ड उनका भी फेवरेट कार्ड है। पिछले बार की तुलना में दीदी ने ज्यादा दलित उम्मीदवारों को टिकट दिए। हाँ, इतना कहना होगा कि वो बीजेपी पर निशाना साधने के लिए कुछ और भी नारे तोप के गोले की तरफ फेंक रही है, एकदम दीदी स्टाइल। लड्डू खावे दिल्ली का लड्डू, दिल्ली में कैसा डबल इंजन चल रहा है? बोलो दीदी का गुस्सा नहीं होता है, दीदी जो सोच कहता है उसका रिप्लाई दो। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एक साइकोलॉजिकल गेम भी हो रहा है, यानी साइकोलॉजिकल खेला। ये भी कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल वॉर है। बीजेपी ये प्रचार करने में लगी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रही है, ताकि तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स और समर्थकों पर दबाव पड़े कि उनकी पार्टी संकट में है। तो ममता दी केंद्र सरकार, मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगी हैं। शाह जी पर तो खैर वो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, मेरा मतलब है आक्रामक है, एग्रेसिव। बीजेपी कह रहा वोट चाहिए की करवे खेदे उठावे आको कुंडा होम मिनिस्टर आको संसद होम मिनिस्टर आओ चुगड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलो कंट्रोल करो अपना होम मिनिस्टर के पास। अब मामला आपसी तू तू मैं से भी आगे बढ़ गया। अब क्या हो गया शेखर? बंदरू, अब वहाँ हिंसा की आग पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। कूच बिहार की हिंसा के बाद राजनीतिक दल तनाव कम करने के बजाय उसे और बढ़ाने में लगे, उसमें और घी डाल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में जो हिंसा हुई उसमें 4 लोग मारे गए, चारों लोग CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की गोलियों के शिकार हुए। हिंसा कैसे भड़की, क्यों भड़की, गोलियां क्यों चली,
इसकी अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है वहां फैली अफवाह। होना तो यह चाहिए कि राजनीतिक दल वहां फैले तनाव को खत्म करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, सब अपनी अपनी गोटियां फिट करने में और राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। गोलियों की बौछार थमी नहीं थी कि अब आरोपों की बौछार शुरू हो गई। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर दना दन दना दन आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता दीदी ने एक साथ बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। सिस्टम्स कैन नॉट बी चेंज्ड, द इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू फॉरएवर एंड द सिस्टम इज टू बी मेंटेन एज पर ऑल इलेक्शन रूल्स एंड ऑल। यस, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट देयर मस्ट बी समथिंग वेरी एसेंशियल, दैट व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, व्हाट इज कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, व्हाट इज द इंपार्शियल इलेक्शन, एवरीबॉडी वांट्स दैट। सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चला तो ममता दी ने ट्वीट भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को अपना नाम बदलकर MCC यानी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, वो मुझे अपने लोगों से मिलने और उनका दर्द बांटने से रोक नहीं पाएगी। ममता दी इतना कुछ कर रही हैं तो बीजेपी कैसे भला चुप रहती। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने स्टाइल में सारा ठीकरा तृणमूल कांग्रेस के सर पर फोड़ डाला। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे, उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। तो इस तरह दोनों पार्टियों की ओर से हिंसा की एक घटना को लेकर आरोप इस तरह लगाए जा रहे हैं कि एक संजीदा मसला राजनीतिक घेरे में फंस कर रह गया। कोई राजनीतिक दल मारे गए लोगों के परिवारों के आंसू नहीं पोंछ रहा है, बल्कि खुद को मिलने वाले वोट के लिए जोड़ घटाव कर रहा है, अपना नफा नुकसान देख रहा है, सिर्फ अपना नफा नुकसान। और अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चुनाव आयोग ने ममता दीदी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। ये बैन आज रात 8 बजे से लागू हो गया है। ABP News आपको रखे आगे।